मेरा आपसे सवाल यही है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहां से है? मैं पिछले 2 दशक से, करीब करीब 20 साल से, डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। अरे तुम तो महामनहूस निकले कि तुम्हारे समाज में आज डीजल पेट्रोल कैसे चला। कि आपकी पूजनीय माता जी की उम्र के करीब नीचे गिरना शुरू हो गया है आज का रुपया। जो लहर थी 2014 की, वो कहर बन गई है आम आदमी पे, जहर बन गई है। उमा भारती की क्या जात है मालूम है किसी को? अरे इस देश में धर्म के बारे में कोई जानता है तो पंडित जानते हैं। ये अजीब देश हो गया। इस देश में उमा भारती लोधी समाज की है, वो हिंदू धर्म की बात कर रही है। नमस्कार, ताल ठोक के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा और लगातार आप ताल ठोक के ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश से देख रहे हैं। होशंगाबाद के बाद अब हम आज पहुंचे हैं विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र था। सुषमा स्वराज यहां से सांसद हैं, हाई प्रोफाइल सीट है विदिशा, और विदिशा की बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी अपना ही स्वागत कर दीजिए। जबरदस्त चुनावी माहौल विदिशा में इस वक्त नजर आ रहा देखने को। यहां पर तीनों ही पार्टियों के मुख्य जो प्रतिनिधि हैं वो मेरे साथ हैं। तीनों का मैं एक बार जल्दी से स्वागत, फिर आपको टॉपिक बता दूंगा। मेरे साथ मुकेश टंडन जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ प्रताप भानु शर्मा जो कि पूर्व सांसद हैं और उपाध्यक्ष हैं, बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, और यहां से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं अनुमा आचार्य जो कि विंग कमांडर रही हैं और विदिशा से कैंडिडेट हैं। विदिशा की बात करें, लेकिन आप जानते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी बहस मध्य प्रदेश के लिहाज से और 2019 के लिहाज से शाम 5 बजे होती है सबसे बड़ी बहस। आज का मुद्दा यह है कि क्या प्रधानमंत्री को गाली देने से कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश की गद्दी मिलेगी या 2019 सियासत की गद्दी मिलेगी क्या? शाम 5 बजे आज का सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान क्या कांग्रेस की नीच, कोट अनकोट नीच सियासत का हिस्सा है? शाम 6 बजे ताल ठोके पूछेंगे कि क्या 48 घंटे बाद राम मंदिर आंदोलन पार्ट 2 शुरू होने जा रहा है? ये स्पेशल एडिशन ताल ठोके का अयोध्या से सचिन अरोड़ा वहां से जुड़ेंगे 1 घंटे बाद 6 बजे। लेकिन अभी विदिशा से इस वक्त का सवाल ये कि कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गालियां, क्या ये कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा बन चुका है क्या? क्योंकि आज दिन भर आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह की गालियां और अपशब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया। राज बब्बर ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, शायद वो सही मंच है भी नहीं वो कहने का। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां तक को नहीं बख्शा। जी हां, रुपए की गिरती कीमत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की उम्र से जोड़ने का काम किया राज बब्बर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाहिल तक कहा राज बब्बर ने। सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे मोदी लहर अब मोदी जहर बन चुकी है, मोदी जहर। यही नहीं, सीपी जोशी वो कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो छोटे लोग हैं ना, उनके कहने का मतलब है छोटी जात के लोग हैं ये लोग। ये लोग कैसे बोल सकते हैं हिंदुत्व के बारे में? हिंदुत्व के बारे में तो सिर्फ ब्राह्मण बोल सकते हैं। ये जातिगत कार्ड खेला गया। हालांकि राहुल गांधी ने इस पर तुरंत आपत्ति जाहिर की, ट्वीट किया गया, ये कहा गया कि माफी मांगे सीपी जोशी, और उसके बाद सीपी जोशी की तरफ से माफी मांग ली गई है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये सब कुछ मैच फिक्स है, ये जानबूझकर ये माफी मंगवाई जाती है, पहले गाली दिलवाई जाती है फिर माफी दिलवाई जाती है। 5 बड़े सवाल कौन से रहने वाले, एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1, मोदी की मां का अपमान क्यों? सवाल नंबर 2, मोदी को गाली से 2019 में राजगद्दी। सवाल नंबर 3, अब की बार सारी मर्यादा तार तार, जो कि कांग्रेस पार्टी भी याद दिला रही है
कि बीजेपी के नेता भी कोई दूध के धुले नहीं है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेसी नेताओं के लिए किया गया, उल्टा जवाब बीजेपी से भी मांगा जा रहा है। सवाल नंबर 4, नीच पॉलिटिक्स पर कब तक माफी मांगेंगे राहुल गांधी? मणिशंकर अय्यर ने चुनावों के दौरान नीच शब्द का इस्तेमाल किया था और अब उसी उन्हीं की विरासत को, नीच पॉलिटिक्स वाली विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। शायद जात पात में बांटकर मोहर लगेगी क्या हाथ पर? सीधा सा सवाल कांग्रेस पार्टी से होगा। यहां पर मेरे साथ 3 खास मेहमान है, विदिशा के लोग मेरे साथ हैं। मैं आप सभी को बता दूं, हमारे साथ संबित पात्रा भी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, विदिशा की जनता संबित आपका स्वागत कर रही है। हमारे साथ अभय दुबे भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभय दुबे का भी स्वागत कीजिए। सबसे पहले अभय दुबे, आप ही से मेरा सवाल, सर कम से कम परिवार वालों को तो बख्श दीजिए। मतलब मेरे को तो सर सवाल पूछते हुए शर्म आ रही है आपसे, मैं क्या आपसे सवाल पूछूं? आपके नेता मोदी की मां तक को नहीं बख्श रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां तक के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर मुझे शर्म आ रही है, आपको शर्म आ रही है अपने नेताओं पर? क्या किस लेवल तक गिर गए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता? राज बब्बर वो गुरते रुपए की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की उम्र से कर रहे हैं। सर देखिए अमन जी, मेरी मान्यता है कि प्रधानमंत्री पद की अपनी गरिमा है, प्रधानमंत्री पद की कोई जात, कोई भाषा, कोई धर्म जो भी होता है वो भारत का धर्म, भारत की जात, भारत की भाषा होती है, हम सभी को श्रद्धा रखना चाहिए। जात न पूछो प्रधानमंत्री की, पूछ लीजिए काम, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। प्रधानमंत्री जी, आज देश ये पूछना चाहता है कि बताइए जो 22 लोग 1,00,000 रुपया 1,00,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लेकर भाग गए वो किस जात के थे? ये नोटबंदी जो लागू की है बेरहमी से, उसका धर्म क्या था प्रधानमंत्री जी? जो आर्थिक बदहाली हिंदुस्तान की कर दी गई है उसका मर्म क्या था प्रधानमंत्री जी? लोग काम पर बात करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कब तक भावुक होकर खुद पर तरस खाकर देश के एजेंडे को बदलने की कुचेष्टा करेगी? हाँ, इस बात को राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि कांग्रेस पार्टी के संस्कृति और संस्कार ये नहीं है, इसलिए हमारे नेताओं को भी इस मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपसे भी यह अपेक्षा है कि आपने गुरु नानक देव जी के अंश और वंश मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत कहा, तब क्या हिंदुस्तान को शर्म नहीं आई? तब वो प्रधानमंत्री थे, छतरी लगाकर बाथरूम में नहाने वाला कहा, तब क्या हिंदुस्तान को शर्म नहीं आई? वो प्रधानमंत्री थे प्रधानमंत्री जी। तो मुझको लगता है कि यह मर्यादित आचरण किसी भी राजनेता को शोभा नहीं देता, मगर बात उठनी चाहिए इस बात पर कि क्यों आरबीआई भारत की सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, क्यों सीबीआई प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, क्यों सर्वोच्च अदालत प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। इस बात का जवाब देना होगा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्यों यह कहती है कि प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट सारे तबाह हो गए। सवाल पूछिए, किसानों पर सवाल पूछिए, महिला सुरक्षा पर सवाल पूछिए, आप ये सारे सवाल पूछिए, लेकिन आप जाति और धर्म से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कभी आपके नेता बंद कमरे में बैठकर बोलते हैं कमलनाथ की मुसलमानों का 90% वोट नहीं मिला तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। कभी आपके नेता बोलते हैं कि हिंदुओं को निपटा दो, संघियों को निपटा दो। कभी आपके नेता ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि मोदी की मां की तुलना वो करते हैं रुपए के गिरते रुपए से करते हैं। अभी आपके नेता, अब ये जो आपके नेता है सीपी जोशी, प्रधानमंत्री की जात पूछ रहे हैं। सर आप धर्म और जाति से आगे बढ़े तो सही, वही तो हम लोग चाह रहे कि चुनाव लड़िए महिला सुरक्षा पर, किसान पर, बेरोजगारी पर। आप धर्म और जाति से आगे नहीं बढ़ते हैं। संबित पात्रा, आपसे मेरा सवाल, चलिए सीपी जोशी ने, राहुल गांधी ने तुरंत आपत्ति जाहिर की। एक मिनट, अभय दुबे, निर्भीक वातावरण चाहते सर, उन्होंने तो सजावटी महिला कहा था, सजावटी कहा था उन्होंने तो महिलाओं को। छोड़िए सर, संबित आपके पास में आ रहा हूँ सर, उसका वीडियो भी दिखाइए किसी दिन। अभय दुबे एक मिनट, आप जानते हैं ताल ठोक के का फॉर्मेट हो गया सर, एक मिनट। संबित, कांग्रेस कह रही है कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसी भी तरह की इस तरह की टिप्पणी, तुरंत माफी मांगने के लिए कहा गया और तुरंत माफी मांग ली सीपी जोशी ने। संबित
देखिए अमन भाई, पहले तो मैं विदिशा के जनता को प्रणाम करता हूं और जो तीनों कैंडिडेट खड़े हैं मैं उनको नमस्कार करता हूं, और मैं टंडन जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनको आश्वस्त करता हूं कि आप इंतज़ार करिएगा, आपके अच्छे कामों के कारण जनता आप ही को चुनेगी, जीत आप ही की होगी। देखिए इससे पहले अभी कांग्रेस के प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला कर मुझे ऐसे डांट रहे थे मानो कि ये राजबब्बर जी हमारी ही पार्टी के हैं, ये हमें ऐसे चिल्ला के डांट रहे थे जैसे सीपी जोशी जी हमारी पार्टी के हैं, ये मुझ पर ऐसे बरस रहे थे जैसे नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी के हैं। कमाल की बात है। देखिए मैं कहता हूँ आप लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी प्रश्न पूछिए, मगर माँ को बीच में क्यों लेके आते हैं? विदिशा की जनता, आप देखिए किसी की भी माँ हो, मेरी माँ हो, अभय जी की माँ हो, अमन जी की माँ हो, सैकड़ों वर्षों की उनकी आयु हो, वो 100 साल से अधिक जिए, ये हमारी आशा होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान की परंपरा है। आप बार बार प्रधानमंत्री की माँ को खींच के लाते हो, डीमोनेटाइजेशन के समय आपने उनके लिए अभद्र टिप्पणी की, याद करिए प्रधानमंत्री जी ने अपनी माँ को व्हीलचेयर में बैठा के जब पीएमओ में घुमाया था उस समय आपने उनकी माँ के खिलाफ टिप्पणी की, और आज पुनः एक 90 साल से अधिक उम्र की महिला के लिए इस प्रकार की टिप्पणी करना, क्या यह अच्छी बात है? ये हिंदुस्तान की माएँ देख रही है, विदिशा की माएँ देख रही हैं, मध्य प्रदेश की माएँ देख रही हैं, कोई भी माँ इसे सहने वाली नहीं है। दूसरी बात, सीपी जोशी जी कहते हैं ये उमा भारती कौन सी जाति की है, ये प्रधानमंत्री कौन सी जाति के हैं, इनको क्या अधिकार है कि ये बड़े विषयों पर अपना विषय रख सके? क्यों ने क्यों क्यों सीपी जोशी ने क्या माफी क्या मांगना होता है? आप देखिए अमन भाई, इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग मणिशंकर अय्यर की प्रधानमंत्री नीच है गुजरात के समय किया था, वोट कट जाएंगे इस डर से राहुल गांधी जी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया, मगर पुनः पार्टी में ले लिया, अब सम्मानित पोजीशन में पार्टी में ले लिया उनको। आप स्वयं विदिशा की जनता, मैं तो इनके बीच में नहीं चिल्ला रहा था, आप देख लीजिए सभ्य कौन है असभ्य कौन है। इस छोटी देखिए मैं विदिशा की जनता को जनता के दरबार में खड़ा हूँ, विदिशा की जनता आप देखिए जरा, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा, आप देखिए जरा विदिशा की जनता, मैं तो शांति से सुन रहा था, आप देखिए आप ही के पास आ रहा था, उनको कंप्लीट करने दीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, संबित कंप्लीट करें फिर अभी दुबे मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। संबित देखिए मणिशंकर अय्यर जी को निकाल दिया था गुजरात के चुनाव के समय क्योंकि मोदी जी को उन्होंने नीच जात का बताया था, और पुनः उनको ले लिया, चुनाव समाप्ति के पश्चात कांग्रेस पार्टी हार गई, फिर से उनको बल्ले बल्ले करके कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदर ले लिया। देखिए ये इनकी स्ट्रेटजी होती है कि चुनाव के दौरान पिछड़ों को, आदिवासियों को गाली दो, हिंदुओं को बांट दो, 90% मुसलमान वो कंसोलिडेट, मुसलमान वोट कंसोलिडेट हो जाए, हिंदू धर्म के जाति के नाम पर बंट जाए, बस इनका काम हो जाएगा। ये 90% मुसलमान हमें वोट नहीं देगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ये बंद कमरे के अंदर इनकी स्ट्रेटजी थी ना, और खुले में कह रहे हैं कि तू फलाने जाति का है, तू फलाने जाति का है, ये हिंदू धर्म में तो जाति है, ये हिंदू धर्म को जाति के आधार पर बांट दो। देखिए विदिशा की जनता से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हिंदू धर्म को जाति के आधार पर मत बांटना और केवल विकास के काम को आगे बढ़ाना। ठीक अबे दुबे, कम से कम जाति तो नहीं पूछनी चाहिए ना प्रधानमंत्री की, वो छोटी, मतलब आपके शब्दों में कहें तो वो तो ओबीसी पिछड़े छोटी जात के हैं, उनकी क्या औकात कि वो हिंदुत्व पर कोई लेक्चर दे? यही कहने की कोशिश कर रहे थे ना सीपी जोशी कि उमा भारती की जात क्या है, वो क्या बोलेंगे हिंदुत्व पर? पीएम मोदी की क्या जात? छोटी जात के, आपकी नजरों में तो छोटे लोग है ना वो लोग। अबे दुबे दुर्भाग्यपूर्ण है, विचार कीजिए आप विचार कीजिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वोटों के छोटे उद्देश्य के लिए पुनः उन बातों को दोहराते हैं प्रधानमंत्री की माता जी के लिए, ये चाहते हैं कि उस भावुकता के नाम पर ये वोट ले लें। मैं पूछना चाहता हूं, भगवान लोधेश्वर की पुत्री उमा, उसका अपमान सबसे ज्यादा किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने गंगा की सौगंध खाई थी कि माँ गंगा मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा लेती हूँ सफाई के लिए, उस उमा को भगवान लोधेश्वर की पुत्री को हटा दिया, लोध समाज का उससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। अरे कोई जाति नहीं होती लोधी, ये समझ लीजिए, वो तो अन्नदाता किसान और वीरांगना जो उनकी माँ है, 1857 में सीपी जोशी को समझाइए है, वो लोध समाज जोशी को समझाइए तो जात पूछ रहे हैं सर, ये सीपी जोशी को समझाइए जो जात पूछ रहे हैं नेताओं की, वो कह रहे कि इस जात का ये क्या बोलेगा ब्राह्मण, ये क्या बोलेगा हिंदू, ये अपने नेताओं को समझाइए ना जो छोटी जात का समझते हैं लोगों को, जो कह रहे हैं वो तो छोटी जात के ओबीसी हैं, पिछड़े इतने खुन्नस क्यों है ओबीसी से आप लोगों, देखिए इतनी खुन्नस क्यों है छोटे नेता राहुल गांधी
सर वो भी समाज का हिस्सा है, वो भी समाज का हिस्सा है सर। उन्होंने तुरंत क्षमा मांगी है प्रधानमंत्री जी, तो जो राहुल जी, सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी को अपशब्द कहते हैं उनका प्रमोशन कर देते हैं। ये बुनियादी अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में है। ऐसे काम क्यों करते हैं जो माफी मांगने पड़े सर? माफी मांगने वाले काम ही क्यों करते हैं? संबित आप बोले जल्दी से, उसके बाद मैं यहाँ पा रहा हूँ। 30 सेकंड संबित, वो कह रहे माफी मांग तो ली, बख्श दीजिए ना, माफी मांग ली उन्होंने। संबित नहीं, बख्शने का प्रश्न ही नहीं है अमन जी। चुनाव अगर ये भ्रम पाले हुए कि इस पर होगा तो ये संभव ही नहीं है। मानस बना चुके छत्तीसगढ़ राजस्थान की जनता, अब वो जात पर, धर्म पर, भाषा पर, कपड़ों पर, भोजन पर अपना वोट। अमन भाई आपने मेरे से पूछा ये क्यों चिल्ला रहे हैं, मैं तो इनके बीच बिल्कुल चिल्लाता हूं। संबित 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 बोलिए बोलिए, अबे दुबे एक मिनट, अबे दुबे एक मिनट, आप मेरी बात छोड़ के वेट कर रहे हैं सर, दुबे एक मिनट, यहां पे लोग वेट कर रहे हैं। संबित आप बोलिए 30 सेकंड्स। देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, सीपी जोशी जी ने क्या कहा, ये उमा भारती कौन सी जात की है, ये लोधी जात की है, ये लोधी जात के लोग हिंदुइज्म पे टिप्पणी करेंगे? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, यादव, गुज्जर, कुशवाहा, किरार लोधी जात के लोग नहीं होते हैं? इन लोगों के ऊपर आप इस प्रकार का प्रहार करेंगे कि ये छोटी जात के लोग हैं, इसलिए ये पढ़ नहीं सकते, ये लिख नहीं सकते, ये बड़े विषयों पे बोल नहीं सकते? अरे माफी मांगो, माफी मांगिए आप लोधेश्वर महादेव लोधी जाति के लोगों को, यादव जाति के लोगों को, कुशवाहा जाति के लोगों को, हिंदू हिंदू धर्म के लोगों को बांटने की कोशिश की है? आप जैसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए। अरे आपने आप चिल्लाइए मत, शांत से बैठ जाइए, इसी आपके चिल्लाने से ही मालूम पड़ता है कि आपके पास कोई विषय नहीं। अमन भाई यही है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा। अमन भाई मैं तो इनके बीच में बिल्कुल चिल्लाता नहीं हूँ, ये व्यक्ति चिल्लाते क्यों रहते हैं बीच में? अमन भाई मैं भी चाहूँ तो मैं चलिए मैं भी चिल्लाते रहता हूँ। ब्रह्म प्रकाश दुबे देखिए, माफी मांगना क्या होता है? शब्द तो तर्कस से एक बार निकल जाए तो शब्द का बाण कभी वापस नहीं आ सकता है। आप गाली दे चुके हैं प्रधानमंत्री को, आप गाली दे चुके हैं उमा भारती को, आप लोधी जात को गाली दे चुके हैं, आप किरार जात को गाली दे चुके हैं, आप यादव जात को, कुशवाहा जात को गाली दे चुके हैं। माफी मांगना क्या होता है? केवल 90% मुसलमान, केवल 90% मुसलमान चाहिए और हिंदू में से कोई नहीं चाहिए। 90% मुसलमान ही चाहिए आपको और हिंदू जात नहीं, हिंदू में से कोई जात आपको नहीं चाहिए, केवल 90% मुसलमान की पार्टी है आप। मुझे याद आ गया राहुल गांधी ने कहा था, ये केवल एक मिनट में आपके पास आऊंगा, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, बहुत लोग वेट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले ब्रह्म मैं आप ही से जानना चाह रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश चुनावों में मैं देख रहा था ये गाली नंबर 37 हुई थी, तब मैंने डिबेट करी थी, आज यहां पहुंचते पहुंचते 41 गालियां हो चुकी हैं। पीएम को गाली देने से क्या वोट पड़ता है? क्या कुछ एक सेक्शन है कि पीएम को अगर गाली दी जाएगी तो कांग्रेस पार्टी को वोट मिल जाएगा? इसके पीछे की थॉट क्या है ब्रह्म? देखिए कांग्रेस के नेता, ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस का गेम बिगाड़ते हैं। जब जब चाहे गुजरात चुनाव की बात कर लें, गुजरात चुनाव के पहले मणिशंकर अय्यर का बयान, अब मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव के पहले जिस तरह का बयान आया है, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का ही नुकसान करेंगे जिस तरह का बयान सीपी जोशी ने दिया है। जनता से ही पूछ लेते हैं कि किस तरह का उनका क्या कहना है इन बयानों को लेकर, क्या कहना है? मेरा कांग्रेस से प्रश्न है, रामपथ की बात हुई है घोषणा पत्र में, रामपथ है तो राम जी का घर भी होगा, अगर राम जी का घर है तो वो अयोध्या में होगा, अगर मंदिर शब्द से परेज है, मंदिर शब्द से किसी वोट बैंक का हो है, तो वो मंदिर ना बनाए, घर कब बना रहे हैं ये बताएं। मेरा ये कांग्रेस से सवाल है कि ये मोदी जी की जात पूछते हैं, ये राहुल गांधी की जात बताएं, कौन सी समाज के हैं ये, कौन सा गोत्र है इनका? राहुल गांधी के बारे में बात करने के पहले उनके परिवार के बलिदान को याद कर लीजिए, आपकी पार्टी में एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिसने इतना बलिदान दिया हो। ठीक, अच्छा चलिए ठीक, ये जो राहुल गांधी जी पे बात कर रहा है, उस परिवार ने देश की आजादी से लेके जात हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी। ठीक, जात पात क्यों? राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश की जनता गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं के गांव गांव गौशाला खुलवाएंगे, वो कर्नाटक में गाय कटवाते हैं ये। मैं राहुल गांधी के परिवार से कहूंगा कि 50 साल से जो उन्होंने राज किया है राजनीति में, आज उसमें उनकी निष्ठा इतनी बेकार हो चुकी है, उनकी मानसिकता इतनी बेकार हो चुकी है, माँ बहनों के ऊपर भी आ चुके हैं लोग, ये अत्याचार है, ये माँ बहनों के लिए अत्याचार है, ये गलत अत्याचार है, ये अत्याचार की राजनीति कर रहे हैं, हम इनकी राजनीति नहीं चलने देंगे।
चले ठीक है। अबे एक मिनट, यहाँ पर अब इस तरफ आप मुझे बताइए, जो आज हम डिबेट कर रहे हैं सीपी जोशी, राज बब्बर, आप पीछे हो जाए ना, आगे आगे क्यों बढ़ रहे हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने से क्या वोट पड़ता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता। और ये वो क्या गाली क्यों दी जाती है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ का भी अपमान किया सर। जहाँ जहाँ गाली जितनी दे रहा है उतनी सुगड़ा साफ हो रही है। कांग्रेस का जितने चुनाव हुए सुगड़ा साफ होता जा रहा है। मेरा ये कहना है कि भाजपा का प्रचार अडानी, अंबानी और जी न्यूज कर रहे हैं। अच्छा, गाली देकर कौन किसका प्रचार कर रहा है? गाली देकर कौन किसका प्रचार कर रहा है? ये सीपी जोशी जी न्यूज में काम करते हैं। चलिए ठीक है, ठीक। ये राजबब्बर जी का ओछापन है। चलिए ठीक है। हाँ, मोदी की माँ हम सबकी माँ है, इस देश की माँ है, और मोदी की माँ का अपमान विदिशा की जनता और मध्य प्रदेश की जनता जवाब देगी और कांग्रेस को बुरी तरह ध्वस्त करेगी यहाँ से। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मोदी जी का अपमान देश की जनता बिल्कुल नहीं सहेगी। देखिए, अच्छा, हाँ जी, गाली शब्द का मतलब ये होता है कि अगर हमने किसी को माँ की गाली दी, अच्छा, तो आप कौन हुए? अच्छा, मैं आपको जाहिल कहूँ? मतलब मैंने जाहिल गाली नहीं होती, अनपढ़ गवार गाली नहीं होती। नहीं, मतलब माँ बहनी करनी बाकी रह जाए। क्या बातें कर रहे हैं सर? चलिए ठीक है, बहुत बहुत। टंडन साहब आप ये चीज कहिए ना, वो कह रहे हमने माफी मंगवा दी, सीपी जोशी ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने माफी मंगवा दी, आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? अब तो वो कह रहे हैं कि माफी क्या, अब तो और भी नेता जिन्होंने कहा उनसे भी माफी मंगवाई जाएगी। टंडन साहब, चोपड़ा जी, ऐसा है, कांग्रेस की जो संस्कृति है ये आज की संस्कृति हुई ऐसा नहीं है। कांग्रेस जब भी सरकार के बाहर हुई है, आप इतिहास उठाकर देख लें, हमेशा कांग्रेस के नेता बौखलाए रहे, कांग्रेस के नेताओं का संतुलन बिगड़ा है। हमारे अगर विदिशा की बात करें हम, तो हमारे सामने जो प्रत्याशी हैं शशांक भार्गव जी, उन्होंने मुझे भी चोर कहा और देश के प्रधानमंत्री को भी चोर कहा। जी, एक विदिशा के चोर को बचाने के लिए देश का चोर आ रहा है जी, ये इनकी पूरी संस्कृति है। प्रताप भानु शर्मा जी, बीजेपी कह रही है कि दरअसल जो आप कांग्रेस की जो गाली गैंग है सो कॉल्ड, जिसमें बहुत लंबी लिस्ट है, मणिशंकर अय्यर से लेकर अब यहाँ तक राज बब्बर, सीपी जोशी, सिद्धू, सारे नेता, ये जो गाली गैंग है, इसके जो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, वो खुद ही चोर कहते हैं। तो जब सेनापति चोर कहेगा तो सेना वही कहेगी ना जो सेनापति कह रहा है। प्रताप भानु शर्मा जी, पहली बात तो, हेलो जी, बोलिए। पहली बात तो ये है कि ये विषय विदिशा से या मध्य प्रदेश से संबंधित ही नहीं है जो आप डिबेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब गाली दी जाए, सुन लीजिए, गाली दी जाए तो चर्चा नहीं। सुन लीजिए पहले मेरी बात, क्या एक मिनट चलिए, सुनिए पहले मेरी बात, बिल्कुल नहीं है, सुनिए पहले मेरी बात, नहीं है जरूरी, नहीं है, रुकिए आप, और गाली देने की संस्कृति, सुनिए ना, कांग्रेस की बुराई करने की संस्कृति भाजपा ने सबसे पहले शुरू करी है, नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले शुरू करी है। विदिशा क्या भारत में नहीं आता? मैं शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ। ये मेरे से पूछ रहे हैं, एक मिनट पीछे बैठिए ना, क्या विदिशा की जनता के लिए जरूरी मुद्दा है? प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, कोई विदिशा के अकेले नहीं है। प्रधानमंत्री से घबरा गई है कांग्रेस, इसलिए इनके पास जवाब नहीं है, फालतू की बात है। विदिशा के लोगों में क्या ये मुद्दा नहीं है अगर मोदी को गाली दी जाएगी? इस मुद्दे पे आपने संबित पात्रा जी को और अभय दुबे जी को कर लिया है, तो आप यहाँ के मुद्दों की बात करिए। तो यहाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ के मुद्दे की भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इतना कुछ दे दिया कि मुद्दे पे बात ही नहीं। अब देखिए भानु प्रताप जी आप ये बताइए ना, ये मुद्दा हो ना हो, ये मुद्दा आपको नुकसान कर देगा। आप बार बार मौका दे देते हैं उनको ये मुद्दा भुनाने का। नहीं हो सकता ये मुद्दा यहाँ ना हो, लेकिन आप मौका दे देते हैं गाली देकर सहानुभूति बताने का। गाली नहीं दी है और यहाँ से कोई व्यक्ति ने गाली नहीं दी जिसकी बहस आप यहाँ करना चाहते हो। आप झूठी बहस करना चाहते हो। मौत का सौदागर मध्य प्रदेश के मुद्दे पे चर्चा करिए। जोर से बोल के सच बात को छुपाया नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश के मुद्दे पर श्री शशांक भार्गव जी ने प्रेस के सामने चोर ऊंची आवाज से सच्चाई आप छुपा नहीं सकते। चौकीदार ने सीधा चोर कहा, सीधा नगर के कदम चोर को बचाने, देश का चोर बचाने आ रहा है। तो चौकीदार चोर नहीं कहा जी, आप चोर से बोलकर ये काम अपने आप पर काम रुक हुआ। संसदीय वादा को आप छुपा नहीं सकते। ये आपकी संस्कृति है, जो सत्यता है। आप अपने ठीक, चलिए जी, अभय दुबे जी देखिए, यहाँ पर भी जो प्रत्याशी है वो भी कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है। मेरा सवाल ये है सर, जब आप लोगों का सेनापति जो है राहुल गांधी,
वो खुद ही चोर चोर कहेंगे तो आपकी सेना भी यही करेगी सर। भाषा कहां से सीखी जा रही है? जो गाली गैंग का सरगना है वो कौन है सर? आप शायद बेहतर जानते हैं, जो मास्टरमाइंड है, ईमानदार अभी दुबे बढ़िया आदमी है, जो दिलेर है। आज देश के सम्मुख प्रश्न क्या है? क्या प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए था कि वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना देते राफेल के घोटाले के मुद्दे पर? क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं चाहिए था क्यों बना वो जो लोग हिंदुस्तान को 1 लाख करोड़ एविडेंस है तो आप कोर्ट के सामने चले जाइए ना। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आपके कहने पर बना दिया जाएगा क्या? उसमें मां बेटे आज बेल पे बाहर कार्यवाही कर लेते। आप 2015 से आपके पास सूचना थी? आप बताइए मां बेटे आज बेल पे बाहर है, क्या हम उनको डकैत कह सकते हैं? क्या कार्रवाई डकैत कहेंगे तो आपको कैसा लगेगा? इसीलिए आप याद रखिए, आप जितनी बार चोर बोलेंगे हम भी परिवार को डकैत कहेंगे, गांधी परिवार डकैत है। यह भी हम कहेंगे कमिटी ने नहीं बोला कि ना गंगा साफ हुई, आप भी सामना करिए, फिर हम भी कहेंगे गांधी परिवार डकैत है। आप भी सामना करिए, गांधी परिवार डकैत है, इसका सामना करिए। माँ बेटे आज बेल पे बाहर है, दोनों आज बेल बॉन्ड देके बाहर है, जल्दी ही जेल जाने वाले। कांग्रेस इनकी हिम्मत देखिए, जो लोग बेल पे बाहर है वो दूसरों को चोर कहते हैं। की स्याही तो मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों भरमार है आपके यहाँ गाली देने वालों की। पूरा काला हुआ पड़ा है, दामन दामन ही स्याही स्याही हुआ पड़ा है, दूसरों के एक उदाहरण दे दीजिए जिस पर कार्रवाई बेल के बाहर दूसरों को देख रहे हैं। तब आप उंगली उठाइएगा, जब एक उंगली हम पर उठाते हैं तो चार उंगली आपकी तरफ उठती है। चलिए ठीक है, जनता भी चाह रही है कि मुद्दों पर बहस हो, यहाँ की जनता भी चाहती है मुद्दों पर बहस हो। आप मौका नहीं देते हैं, आप इनको मौका दे देते हैं, मुद्दा थाली में सजा कर दे देते हैं, कभी नीच कह देते हैं, कभी जाहिल, कभी अनपढ़, कभी गवार, और अब ये जात पूछ ली सर। आप मौका देते हैं उनको संबित। अभी तुम्हें एक मिनट, अभी तुम्हें अब एक मिनट, अभी तुम्हें एक मिनट, अभी तुम्हें एक मिनट की भूमि हो गया सर, हो गया, अभी तुम्हें हो गया सर। संबित 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 अभी तुम्हें आपको ऑडियो एक मिनट बंद है। अब संबित, फिर मेरे को यहाँ पर आना है। संबित जी, आप असली मुद्दों पर चर्चा ना करके भावनात्मक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, यह आरोप है कांग्रेस का। संबित देखिए अमन जी, यहां विदिशा की बुद्धिमान जनता बैठी हुई है, चाहे वो किसी भी पार्टी की है, इनसे पूछिए क्या ये सच्चाई नहीं है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बतौर मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद लेकर रिपोर्ट कार्ड के साथ इनके बीच में आए, तमाम जगह वो आए, वो चाहे रात को 1 बजे चाहे रात को 12 बजे, विदिशा की जनता ने भी उनका स्वागत किया, पूरा रिपोर्ट कार्ड उन्होंने रखा। किसने कहा था प्रधानमंत्री नीच है? क्या हमने कहा? किसने प्रधानमंत्री की जात पूछी? क्या हमने पूछा? किसने कहा कि प्रधानमंत्री की माँ की उम्र और रुपए और डॉलर की उम्र? किसने कहा ये हमने कहा? किसने पाकिस्तान की बड़ाई कर रहा है? किसने कहा था कि भोपाल में आकर नवजोत सिंह सिद्धू भोपाल में आकर पाकिस्तान की बड़ाई की? हमने कहा था? ये सारे कांग्रेस के लोग इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात पूछ के अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर इनको विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ना है तो बंद कमरे में मुसलमान भाइयों से बोलते कि क्या आपके पास बिजली पहुंची है? क्या आपके पास खाने को पहुंचा है? क्या आपके पास सड़क पहुंची है? नहीं पहुंची है तो वोट मत देना बीजेपी को। मगर ये बंद कमरे में पूछ बोल रहे हैं, अरे भैया 90% मुसलमानों को हमें वोट देना पड़ेगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये तो विकास की बात कर ही नहीं रहे हैं, ये तो जात और धर्म की बात कर रहे हैं। आप तो खुद विंग कमांडर रही हैं और अनुशासन तो सेना में वायुसेना में बहुत बेहतर तरीके से सिखाया जाता है और आप हमको बेहतर सिखा सकती हैं। मेरा सवाल ये है कि आज चर्चा धर्म पर जाति पर हो रही है। कांग्रेस के नेता कभी कह रहे हैं कि 90% मुसलमानों का 90% वोट नहीं मिला तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। अब एक और सीपी जोशी साहब है जो जात पूछ रहे हैं, असल मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा रहा? यह दोनों पार्टियां घबराती हैं कि असल मुद्दों पर चुनाव होगा, दोनों का नुकसान होगा, ये है वजह। तो मेरा एक बात आपसे ये कहने की है कि दिल्ली सरकार ने मूलभूत सुविधाएं अच्छी की हैं, शिक्षा अच्छी की है, स्वास्थ्य अच्छा किया है, रोजगार अच्छा किया है और किसानों का भी ध्यान रखा है। अब मैं आपकी सूझबूझ को दाद देती हूं कि प्रधानमंत्री जी परसों आ रहे हैं यहां और जो लहर किसी और ने नहीं बनाई अब उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सभा में कम से कम लोग आने वाले हैं, आज आप उनके ऊपर सहानुभूति बटोर रहे हैं, इसलिए ये चीज आपको सोचनी चाहिए कि विदिशा पे विदिशा के मुद्दे की बात विदिशा के महिला है, महिला का सम्मान होना चाहिए, बोलने दीजिए प्लीज।
ऐसे नहीं बोलने दीजिए, ये महिला का सम्मान होना चाहिए, अपमान मत कीजिए आप, बोलिए। विदिशा में विदिशा के मुद्दे की बात कीजिए, लहर मत बनाइए, क्योंकि जितने ये दिख रहे हैं। अच्छा मोदी, अच्छा किसी की माँ का अपमान किया जाए आपके लिए मुद्दा नहीं है? जैसे मोदी जी की माँ का, जैसे मोदी जी की माँ का अपमान किया गया है। अगर कोई किसी की माँ का अपमान करे प्रधानमंत्री का, तो आपके लिए मुद्दा नहीं है? सुनिए मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए मेरी बात, राहुल गांधी की भी माँ की अपमान करते रही है भाजपा। अच्छा, तो इसलिए कर रहे, इसलिए जायज है, इसलिए जायज है। बात नहीं कह रही हूँ, मुझे भटकाइए मत, मुझे भटकाइए मत। खुद एक महिला है, भटकूंगी भी नहीं। खुद एक महिला है, एक महिला का अपमान होगा आप बर्दाश्त करेंगी? दोनों पार्टियों का, वो विरोधी की माँ है, दोनों पार्टियों का, वो विरोधी की माँ है, दोनों पार्टियों का गलत है, आप बर्दाश्त कर लेंगी? दोनों पार्टियों का गलत है, ठीक, दोनों पार्टियों का माँ का अपमान करना गलत है। प्रताप भानु शर्मा जी क्यों मौका देते हैं असल मुद्दों से भटकने का बीजेपी को? नहीं, सही बात तो चुनाव ये लड़े है ना, किसान का मुद्दा, महिला सुरक्षा का, 15 साल की एंटी इनकम पॉलिसी, कभी कांग्रेस की कोई नीति नहीं रही है, और ये साफ कर दिया राहुल गांधी जी ने। और ये अपमान करने की बात माँ से लेके बाप दादे तक और नाना तक जाने का काम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले किया है, ये मैं कहना चाहूंगा। आप पार्टी किसने डाली बताइए, बयान, अच्छा, बयान बताइए, बयान आप देख लीजिए यूट्यूब पर उपलब्ध है, बताइए ना मेरे को। हमने कह दिया यूट्यूब पर, तैयारी के पहले देख लीजिए, बताइए मेरे को। चोपड़ा जी, आप मुझे बयान बताइए सर, हवा में थोड़ी ना होता है। नहीं, ये बड़ा करूंगा, हम वक्के बोल रहे हैं, बयान बताइए कौन सा, एक मिनट टाइम लेंगे, एक मिनट देखना, बयान दे, बयान बताइए, आपका काम है बताना। हवा हवा आरोप लगा देंगे क्या? हवा हवाई आरोप, बताइए ना, सबूत दिखाइए, बयान, सबूत दिए, बयान दिखाइए, बयान दिखाइए सर, एक बयान दिखाइए, दिखाइए बयान, हमें बताया क्या आप? भानु जी आ रहे हो, एक बयान दिखाइए, हमें कोई लेना देना नहीं, आरोप लगा देंगे क्या? हमें कोई लेना देना नहीं, वो कह रहे हैं आप नेता कम गाली देते हैं, आपके नेता कम गाली देते हैं। जिस बयान के लिए, जिस बयान के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हो, अच्छा सीपी जोशी का मतलब नहीं है? चोपड़ा जी, जोशी से मतलब जी, सुनिए तो, चोपड़ा जी, सीपी जोशी, चोपड़ा जी निकालिए, सीपी जोशी, चोपड़ा जी कहिए कि सीपी जोशी को पार्टी से निकालिए, हमारा मतलब नहीं है, कहिए आप, चोपड़ा जी कहिए ना, आप कहिए छोड़ने लगते हो, कहिए ना, सीपी जोशी का आपसे मतलब नहीं है, आप बोलिए पार्टी से निकालिए सीपी जोशी को। चोपड़ा जी, चोपड़ा जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है टंडन जी, कि जिस बयान के लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीपी जोशी से कहा कि इसके लिए आप खेद व्यक्त करो, उसकी बकालत हमारे दादा कर रहे हैं, मतलब राहुल गांधी गलत कर रहे हैं, उसकी बकालत कर रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य दादा, आप जैसे वरिष्ठ नेताओं से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, जिसके लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वो क्षमा मांगे, उसके लिए आप बकवास कर रहे हैं, इससे ज्यादा असभ्य कुछ नहीं हो सकता। आप, आपको विदिशा में नहीं करना चाहिए, बेटी का अपमान करके एक व्यक्ति फरार दिखता है, बेटी का अपमान नहीं दिखता आपको, माँ का अपमान दिखता है, पार्टी देख कर अपमान देखती है। जब महिलाओं को सजावटी कहा जाता है तब आपके मुंह में दही जम जाती है, जब आप, जब महिलाओं को सजावटी कहा जाता है तब आपके होठ सिल जाते हैं, जब बीजेपी का नेता शामिल होगा तब आप और मुखर होंगी, आप तो कांग्रेस पार्टी की बीटी में ना मैम। मैं उसका भी विरोध करती हूँ, बीजेपी का भी विरोध करती हूँ। सरला मिश्रा को, दोनों जी, सरला मिश्रा को काट के तम्बू में किस पार्टी ने जला दिया था, जरा उसका नाम तो बताएं आप मेरे को। आपके पास जनता की राय जिसकी आप बात कर रही है वो 2015 में भारतीय जनता पार्टी जनता की राय सर, हो गया के 2018 तक विदिशा में कौन से विकास के कार्य किए? इससे जवाब मांगा जाए। मेरा कांग्रेस के जो प्रत्याशी का पक्ष लेने वाले जो लोग हैं, प्रताप भानु शर्मा जी, मेरा इनसे सवाल है, जब ये यहाँ सांसद थे तो इनके यहाँ लोग मिलने आते तो पता चलता था कि दादा दिल्ली में, जबकि दादा ऊपर। मैं दादा पूछना चाहता हूँ, आपका टाइम 18% ब्याज दर पर किसानों को ब्याज पे पैसा मिलता था, आज 0% में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा जी? महिलाएं से पूछते हैं, आप मुझे बताइए आप लोग क्या कहना चाहती हैं, जिस तरह से क्या मुद्दे हैं, क्या वाकई में जो जात पात पर बयान आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का धर्म पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री की माँ को लेकर कमेंट किया जा रहा है, ये कांग्रेस की मानसिकता है, उनकी ये आदत है। अभी कुछ दिन पहले कमलनाथ जी का वीडियो भी आपने देखा होगा, उसमें वो ये कहते दिख रहे हैं कि भाई हमें 90% मुस्लिमों के वोट चाहिए, नहीं हमारी सरकार नहीं बनेगी। सवाल है कोई? बाद में हमारी जब सरकार बन जाएगी, जब हम आरएसएस से निपट लेंगे, तो वो एक सांप्रदायिकता फैलाने वाली ही पार्टी है, और वो जात के आपको नहीं, हमारा तो जो विकास हो रहा है, हमारे शिवराज जी विकास कर रहे हैं, हम सब उसी में खुश है, और इस बार
ये जी न्यूज पे आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी का काम कर रही है। मैं बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश में चलिए ठीक है, चुनाव लड़ने का मुद्दा नहीं, इसलिए जात पात पे बांट रहा है, हिंदू मुसलमान पे बांट रहा है। ठीक सर, मेरा भाजपा से क्वेश्चन है, मोदी जी ने कहा था हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए होंगे, वो कहाँ पे हमें बताइए किस खाते में। दूसरा हमारा स्थानीय मुद्दे पे बात है, सिमराज सिंह जी ने कहा था कि बिरसा को पेरिस बना देंगे, आज बिरसा के शहर में गड्ढे गड्ढे धूले धूले, कहाँ का पेरिस आप बताइए मुझे। ठीक अगला जल्दी जल्दी देखिए साहब, विदिशा में शिक्षा स्वास्थ्य नीति आयोग की रिपोर्ट में जी विदिशा देश के सारे पांच पिछड़े जिलों में से एक है, नंबर एक। इन्होंने कहा था रोजगार देंगे, सिर्फ इन्होंने मुख्यमंत्री के बेटे को रोजगार दिया, जिला सेवा सरकारी संस्था के माध्यम से 65 करोड़ रुपया सिर्फ उनके बेटे को। एक एक करके देखिए, एक एक करके, हाँ सबको मौका मिलेगा। मेरा प्रश्न कांग्रेस से है, हम कांग्रेस को वोट क्यों दें? ठीक है चलिए बताइएगा। पहली बात तो भाजपा 15 वर्ष से सत्ता में है, इन्हें सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है, और जात पर ना बात पर मोर लगेगी हाथ पर, क्योंकि मेरे देश की धरती मतलब ये भी तो कह सकते हैं कि जात हीरे मोती और मेरे देश का पीएम झूठा निकला, ना मैं उसका मोदी। चलिए चलिए ठीक है, एक मिनट एक मिनट। सबसे पहले तो भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल गांधी नहीं है, राहुल खान है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, पीछे 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 हो जाइए पीछे, एक एक करके जल्दी जल्दी पूछिए जी। मैं जो पूछ रहा हूँ, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में 50 मार दिए, उनका क्या हुआ? नर्मदा खोद कर रख दी, उसका क्या हुआ? चलिए अगला जी 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 पूछिए। देखिए विदिशा में भी बहुत सी समस्या है, अपन लोग विदिशा के बारे में बात करें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ। आप मुद्दों को मत भटकाओ, आप जी मुद्दों को ना भटकाया जाए। 28,000 विदिशा में बेरोजगार है। मेरा सवाल मुकेश टंडन जी से है, क्या किसी ने शिवराज सिंह चौहान के लड़के के अलावा किसी को रोजगार मिला है तो बताए? ठीक है, कांग्रेस कहती है 46,000 जी। जल्दी 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 सर, ये तीनों पार्टियां किसानों की बात करती हैं, गाय की बात करती है, कोई स्टूडेंट की बात करता है कि हम लोग 8-8 लाख का लोन लेके पढ़ते हैं, 12-13% लोन हमारा भी माफ करना चाहिए लोन तो। ठीक पीछे जल्दी, मेरा बीजेपी से सवाल है, 40 साल से इनका विधायक, 30 साल से सांसद, और पिछले 15 साल में ऐसा कोई सा राजनीतिक पद नहीं है बीजेपी के पास जो ना हो, लेकिन ऐसे 5 काम बता दें जिसमें ये कह सके कि विदिशा में हमने ऐसा करके दिखाया, ये 5 काम बता दें। ठीक है, 5 काम बताइए, 5 काम बताइए टंडन जी, 5 काम बताइए जल्दी से। देखिए हमारे ये जो मित्र हैं ये विदिशा में रहते नहीं है जी, इनको ज्ञान नहीं है कि मेडिकल कॉलेज यहाँ बन गया, तो सकते हैं, इनको ज्ञान नहीं है कि रिंग रोड यहाँ पे बन गया, इनको ज्ञान नहीं है कि बाईपास यहाँ पे बन गया, इनको ज्ञान नहीं है कि ऑडिटोरियम 15 करोड़ रुपए का हमारा बन रहा है, इनको ज्ञान नहीं है कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज बन गया, इनको ज्ञान नहीं है कि हमारे यहाँ आईटीआई भवन बन गया, इनको ज्ञान नहीं है कि इंडस्ट्री एरिया बन गया, इनको ज्ञान नहीं है कि कंपोजिंग कलेक्ट्रेट भवन बन गया, इनको ज्ञान नहीं है कि नई हमारी गल्ला मंडी बन गई। ये हमारे मित्र बाहर से आए हैं, और चूंकि यहाँ स्थानीय लेवल पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बचे नहीं है, इसलिए ये इस प्रकार के जवाब प्रतापानु शर्मा। अभी टंडन जी ने बताया जी, बाईपास बन गया, ठीक, बाईपास और नेशनल हाईवे जी दोनों कांग्रेस सरकार की देन है, ये इनको इनका क्लेम करने का कोई अधिकार नहीं है। एक तरफ तो नंबर दो कि हमारे प्रतिनिधि हमारी सरकार है, और अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बना रही है, पहले हो गया था। चलिए ठीक है ठीक है, संबित अब एक चीज बताइए, हो गया मैं आपके पास आऊंगा ना, मेडिकल कॉलेज जी, मेडिकल कॉलेज आया है, स्वीकार करते हैं संबित एक मिनट, हो गया सर, हो गया सर, हो गया सर, प्लीज जी जी जी, हो गया प्रताप भानु जी, एक मिनट टंडन जी, एक मिनट संबित, आपसे मेरा सवाल ये, प्रधानमंत्री एक रैली में प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब मध्य प्रदेश में काम नहीं होने दिया जाता था, तो असल काम 2014 के बाद शुरू हुआ, आप शिवराज सिंह चौहान का सिर्फ 4.5 साल का काम देखिए और उसकी तुलना कीजिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मुख्यमंत्री तो 15 साल रहे ना, तो तुलना होगी तो 15 साल की होगी। संबित देखिए 15 बिल्कुल सही बात है, 15 साल में किस प्रकार से कांग्रेस की पार्टी ने विगत 10 साल से काम रोकने की कोशिश की, मगर उसके बावजूद भी संघर्षरत शिवराज सिंह चौहान जी ने एक विकास का बयार मध्य प्रदेश में स्थापित किया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं क्योंकि विषयों पे बात होनी चाहिए। जब मिस्टर बंटाधार यहाँ CM थे 2003 तक, तो मात्र 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन विद्युत उत्पादन मध्य प्रदेश में होता था। मिस्टर बंटाधार चले गए 2003 में, उसके बाद जब शिवराज जी आए तो आज 15 वर्षों
वर्षों में 19,000 मेगावाट जो है ये बिजली उत्पादन होता है। यहाँ जनता बैठी है, आप इनसे पूछिए कि तीर्थ योजना के माध्यम से जो भी बुजुर्ग मौजूद है विदिशा के, मैं सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, क्या बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे नहीं भेजा? लाडली लक्ष्मी योजना और दो संबल योजना, 2.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता संबल योजना के माध्यम से आज 200 रुपये प्रति माह के दर पर बिजली का इस्तेमाल कर पाती है और सारी सहूलियत संबल योजना के माध्यम से मिलती है। क्या ये हकीकत नहीं है कि पहले मात्र 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 24 मेडिकल कॉलेज खुले हैं? इस प्रकार का जो डेवलपमेंट, 35 लाख महिलाओं को उज्ज्वला के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को सिलेंडर दिया गया, ये सारे मुद्दे हैं। तभी तो कांग्रेस पार्टी गाली गलौज की राजनीति कर रही है और कांग्रेस पार्टी जो है वो विकास के मुद्दे पर बात नहीं कर रही है। और कमलनाथ का नाम आज बदल गया है, आज कमलनाथ जी का नाम कमीशन नाथ हो गया है। कमीशन नाथ आप सब, अरे कमीशन खोर तू, नहीं कमलनाथ माने कमीशन नाथ, 50,000 करोड़ कमीशन नाथ, कमलनाथ नहीं कमीशन नाथ, पूरे नर्मदा को छलनी कर रहा है, कमलनाथ नहीं कमीशन नाथ। कौन लगा है बताइए मध्य प्रदेश को? विदिशा की जनता आपसे निवेदन करता हूँ, 2.5 करोड़ कमलनाथ मत कहना, 2.5 करोड़ मजदूर रजिस्ट्रेशन हुआ है, 27% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग मध्य प्रदेश में पढ़ रहे हैं। मोदी जी ने कहा, अरे अबे भाई मोदी जी ने ये बोल खोली कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मध्य प्रदेश में शिवराज सारा पैसा खा गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, 80% हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। संबित पात्रा जी, अच्छा डॉक्टर हो, यहाँ देखिए सड़कों पर डिलीवरी हो रही है, 90,000 बच्चे हर साल मर जाते हैं, 48 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार है, 1,06,000 सिर्फ रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर 24,000 करोड़ रुपए रह गया, मामा जी ने सारा पैसा अपने रैली और प्रसिद्धि प्रचार में खर्च कर दिया, 29 पावर प्लांट के एमओयू साइन किए थे, एक भी नहीं लगा, सिंगरौली से लेकर बालाघाट 29 पावर प्लांट चले गए, 17 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन करने का झूठ पर सवाल ये है, सवाल ये कि जिसने बंटाधार मुख्यमंत्री थे जी, ठीक, अरे ढिंडोर, सवाल ये है अबे दुबे कि जिस पार्टी पर आरोप है मध्य प्रदेश को बीमारू बनाने का, उस पार्टी को दोबारा से वोट क्यों दे यहाँ की जनता? जिस पार्टी पर आरोप है मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाने का 93 से 2003, उस पार्टी को फिर से वोट क्यों दे यहाँ की जनता? क्या बीमारू राज्य नहीं था 93 से 2003? यह स्वर्णिम काल था दिग्विजय सिंह के दौरान, बहुत ही बढ़िया था राज्य था, ये बताइए ना आप। वो बार बार 93 से 2003 का जिक्र करते हैं मिस्टर बंटाधार के नाम से। ये सर्टिफिकेट नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने 23 अप्रैल 2018 को दिया शिवराज जी को, कहा कि मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन के कारण पूरा हिंदुस्तान पिछड़ गया शिवराज सिंह चौहान जी, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 5 गुना का अंतर हो गया, जानते हैं कितना खर्च हो रहा डेवलपमेंट पर, सिर्फ 24,000 करोड़ रुपए, उसमें से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वो बीमारू राज्य का टैग, बीमारू राज्य का टैग निकला और एक एडवांस एक डेवलप्ड राज्य के रूप में मध्य प्रदेश सामने आया, मध्य प्रदेश जान गया है। कल्पना कीजिए, वो आईपीसी क्राइम 2 लाख से ऊपर मध्य प्रदेश में होने लगे हैं, मध्य प्रदेश के संसाधनों की नियोजित लूट चले, ठीक है अमन चोपड़ा, मध्य प्रदेश अनुमा भट्टाचार्य, माफ कर, ये बीजेपी बार बार जी एक मिनट अनुमा आचार्य जी, ये बीजेपी बार बार 93 से 2003 का जिक्र करती है, दिग्विजय सिंह के दौरान जिस तरह का शासन काल रहा, क्या वो मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम काल रहा? जो कांग्रेस का थी, आपको भी लगता है वो काला इतिहास रहा है, काला अध्याय रहा है आपके हिसाब से? देखिए, दोनों ही पार्टी के इतने सालों में विदिशा को मूलभूत सुविधाएं ना देने को असफलता मानती हूँ, दोनों ने ही न शिक्षा दी ना अस्पताल अच्छे किए, ताबड़तोड़ एक मेडिकल कॉलेज बनवाया, मेडिकल हॉस्पिटल कहाँ गया उसका, इस तरह के काम किए इन्होंने, बेरोजगारी बढ़ गई है, दोनों बेरोजगारी बढ़ गई है, चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, किसान परेशान है, सारे परेशान है, और जिन लोगों ने सीढ़ी की तरह मेरे विदिशा को अपनाया, सुनिए, जिन्होंने सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, जैसे ही विदिशा की बेटी आई वो मैदान छोड़ के भाग गए। अनुमा जी एक चीज बताइए,
इतना बुरा हाल था फिर भी लगातार तीन बार से क्यों यहाँ की जनता चुन रही है? जनता की विवेक पर सवाल उठा रहे हैं, लोगों को इन्होंने दब्बू बनाया है, वोटर्स पर सवाल उठा रहे हैं क्या? इन्होंने पूजा करा कर वो वोटर्स बार बार तीन साल से चुनकर भेज रहे हैं, आप कह रहे हैं इतना बनता था। टंडन जी, टंडन जी, मुकेश टंडन कर रही है लोकतंत्र में, मुकेश टंडन जनता जी देती है वही उसका आशीर्वाद माना जाता है। विदिशा की जनता राष्ट्रवादी, और हमेशा हम अगर विदिशा का इतिहास देखें तो देश की आजादी में विदिशा का बहुत बड़ी भूमिका रही। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश की आजादी को लड़ाई लड़ी, और हमें सब उन्हीं के वंशज हैं। हम जानते हैं कौन सी पार्टी राष्ट्रवादी है, उसी के साथ हम खड़े रहते हैं। कैसी भी परिस्थिति रही हो, हमने कभी भी गलत पार्टी को नहीं चुना है। हमने हमेशा देश को सर्वोपरि माना है। हो गया टंडन जी, हो गया सर, वो जानबूझकर बीजेपी आपको अपनी पिच पर खिलाती है, वो बीजेपी आपको अपनी पिच पर खिलाती है जानबूझकर, और उसी पर खेलते हैं। हम राष्ट्रवादी पार्टी जी कहेंगे, सुन लो जी, अंग्रेजों की मुखबरी जिन्होंने की वो हमें राष्ट्रवाद जनता यही तो पढ़ाएंगे। आपके इन्हीं शब्दों का हिसाब तो जनता करती है मैदान में। अब आप फिर विदिशा की जनता को अंग्रेजों का मुखबिर बता रहे हैं जी। आप विदिशा की जनता का जनता की राय ले लेते हैं, जनता की राय ले लेते जनता से सवाल ले लेते हैं। शिवराज के काम पर 15 साल में जो बीजेपी का शासन रहा, उस काम पर वोट पड़ेंगे या नहीं? सर 100% शिवराज जी के काम पर वोट पड़ेंगे, और मैं कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहता हूं कि अभी किसी ने पूछा था कि विदिशा के विकास पर बात करें, और 5 ऐसे काम बताएं जो विदिशा के विकास के लिए किया है। मैं चैलेंज करता हूं टंडन जी, आपको 10 काम ऐसे बताएंगे जो विदिशा में कोलाप करें। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे लड़ रही है चुनाव, और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। आपका सवाल ये कहीं फर्जी आईडी वायरल करवा के विकास बहुत हुआ है, और मुकेश टंडन जी बहुत मतों से जीतने वाले। आपका सवाल क्या है? मेरा ये सवाल है, एसीटीआई कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज जो एसीटीआई विदिशा का, उसमें कांग्रेस इतने साल से राज कर रही है, सब कुछ है, उनका शासन है। मेरे को ये बताइए, 4-5 महीने से तनख्वाह तक नहीं मिली है कांग्रेस बीजेपी वालों को, और मेरे पापा का एरियल भी रोक लिया। ठीक है सर जी, मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, अमेठी में क्या मेडिकल कॉलेज है? मैं कांग्रेस के शर्मा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ठीक, जल्दी अब एक एक करके बैठे रहिए, 10-10 सेकंड में जिसको बोलें जल्दी बोलेंगे आप, बैठ जाइए। ऐसे नहीं। हाँ चलिए ठीक है, यहाँ से बोलिए जल्दी, माइक नहीं पकड़ेंगे आप। ब्रह्म आप रुक जाइए एक मिनट जल्दी। सुषमा जी कहाँ गई, लापता हो गई क्या? उनने विदिशा के जनता के साथ ऐसा क्यों किया? ठीक है, अगला। महंगाई पे क्या किया इस मोदी सरकार ने? जिस वादे को लेके, महंगाई के मुद्दे को लेके आई थी, उस महंगाई का क्या हुआ? महंगाई ठीक, बैठ जाइए बैठ। अभी बोला गया था कि 19,000 मेगावाट यूनिट मध्य प्रदेश में पैदा हो रही है, मध्य प्रदेश से खरीद कर दिल्ली एक तिहाई रेट में दे रही है, मध्य प्रदेश में महंगी बिजली क्यों? और अगर बिजली महंगी क्यों? जात की बात ही बात करते हैं, मेनका गांधी और वरुण गांधी से पूछे कि जात की बात। चलिए ठीक है, हाँ जल्दी। विदिशा नगर पालिका में इन्हें सीवर लाइन 300 करोड़ रुपए की डाली, इनसे पूछिए कि उसमें जाल क्यों नहीं है, उसमें गिट्टी क्यों नहीं है, उसमें सीमेंट क्यों नहीं है। सर सुषमा जी ने परसों ये बोला कि विदिशा इसलिए नहीं आती क्योंकि यहाँ पर धूल है। हाँ, और मामा जी ये बोलते हैं वाशिंगटन में कि अमेरिका से अच्छी रोड है हमारे मध्य प्रदेश की है, तो हम पूछना चाहते हैं ये पेरिस कब बनाएंगे? कांग्रेस जी कहते हैं कि विकास पागल हो गया है, मैं कह रहा हूँ कि विकास देखकर कांग्रेस जी पागल हो गए। चलिए ठीक है। हाँ बैठे रही। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तक तो हमने सुना था कि जीटीपी भाजपा की है, आज चलिए ठीक है, आपकी आदत आई है, आप परेशान है। दिग्विजय सिंह जी का 2003 का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, इंदौर से भोपाल की सड़क के गड्ढे भरवा दो, मुझे रोज शिकायत मिलती है। 10वें साल में सत्ता के गड्ढे भरवाने की बात कर रहे थे सड़कों की। ठीक है जल्दी से, किससे सवाल है? मेरा सभी प्रत्याशियों से ये सवाल है कि हम आपको 5 साल के लिए चुनते हैं, तो क्या 5 साल में आप हमारे लिए विकास करते हैं? क्यों पिछले 15 सालों से विदिशा के विकास का इंतजार है हम सभी को, विदिशा की जनता को। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। टंडन जी जाते जाते सीटें बता दीजिए, कितनी सीटें आ रही हैं इस बार, भविष्यवाणी कर दीजिए एक बार।
नहीं पूरे मध्य प्रदेश में 230 हमारे जिले की पांचों स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार भानु जी कितनी सीटें मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान बनने जा रहे कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 150 प्लस सीट जीतकर इनको ये तो मालूम ही नहीं है कि इनका नेता कौन है प्रदेश में आप किसका खेल बिगाड़ेंगी जीत रही हूँ आप किसका खेल बिगाड़ेंगे विदिशा जीत रही हूँ मैं किसी का घर नहीं बिगाड़ रही मैं विदिशा जीत रही हूँ चलिए ठीक है विदिशा जीत बहुत बहुत शुक्रिया आपका और संबित मां से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अभय दुबे साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ पर विदिशा की जनता मेरे साथ रही आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए तो ताल ठोक के आप देख रहे थे 11 दिसंबर को सबसे तेज नतीजे जी न्यूज पर जरूर देखेगा सुबह से लगातार।